जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू जॉब अलर्ट्स में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी की 11,558 पोस्टों के लिए डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ग्रेजुएट पोस्ट्स भी आई हुई हैं और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए भी, यानी कि प्लस टू होल्डर वालों के लिए भी आई हुई है। ठीक है भैया, सबसे पहले है ग्रेजुएट वालों की 8,113 वैकेंसियां हैं। कितनी है? 8,113 वैकेंसियां हैं, जो कि 14 सितंबर से इसके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं और 13 अक्टूबर तक जो ये फॉर्म्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं, तो ये भरते रहेंगे एक महीने तक। तो सभी जल्दी से जल्दी इस फॉर्म्स को जो है, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ग्रेजुएट हैं, तो फटाफट फॉर्म फिलअप कर दीजिए। दूसरी, जो प्लस टू होल्डर हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं अपने, मतलब किसी के पेरेंट्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक तो शेयर कर दीजिए और साथ में अपने बच्चों को भी बताइए कि ये फॉर्म्स निकले हैं। और बच्चों आप भी फॉर्म फिलअप करें, 21 सितंबर तक की जो है वो ये फॉर्म फिलअप होना शुरू होंगे और 20 अक्टूबर यानी कि एक महीने तक ये फॉर्म फिलअप होने हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि फॉर्म फिलअप होने हैं तो बेटा फॉर्म सबसे पहले तो हमें ये फिल करना है। तो सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि सभी को ये पता लगे कि ये कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं और क्या क्या डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनकी जो पोस्टें हैं वो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्टें निकली हुई हैं। 1736 पोस्टें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसी आई हुई है। स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर असिस्टेंट है, टाइपिस्ट है और क्लेरिकल की पोस्टें हैं। लगभग अराउंड 35,000 और 30,000 के अराउंड जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी सैलरी पैकेज बनाया गया है। और टोटल वैकेंसीज यहां पर 3,000, 1,500, 700 और 900, लगभग 1,000 के पास जो है ये वैकेंसीज बनाई गई हैं। और ये स्टैंडर्ड्स हैं फॉर्म भरते वक्त अपनी आई साइट और अपना फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए जो है ये मांगे गए हैं, उन्हें भी ध्यान में रखें। और अगर एज क्राइटेरिया की बात करूं तो ये 18 से 36 किया गया है। 3 साल की रिलैक्सेशन दी गई है कोविड के कारण, कोविड की वजह से जो है वो एज रिलैक्सेशन जो है वो मिली है। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि प्लस टू होल्डर्स की बात करूं तो उनके लिए भी क्लेरिकल की, अकाउंट्स की और ट्रेन क्लेरिकल और जूनियर कम टाइपिस्ट की पोस्टें भी निकली हैं। इसकी भी लगभग 20,000 से 22,000 तक की जो है वो सैलरी सुनिश्चित की गई है। और पोस्टों की बात करूं तो 2,381, 990 और 72 लगभग, यानी कि 3,445 पोस्टें जो हैं वो भरी जाएंगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और 3 साल का इसमें भी रिलैक्सेशन है, 30 साल हुआ करती थी, 3 साल का और रिलैक्सेशन दिया गया है। और ये इसका सिलेबस है, 2 पेपर होने हैं बच्चों, एक CBT 1 होगा, CBT 2 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसका पेपर CBT 1 क्लियर होगा तो वो CBT 2 में जाएगा। ठीक है, तो उसको फिर CBT 2 क्लियर करना है। तो CBT 1 में क्या आ रहा है देख लीजिए, गणित के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो है ये टोटल कुल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 ही सवाल होंगे। मगर समय जो है वो रेलवे वालों ने बहुत कम दिया है, देख सकते हैं 90 मिनट, 90 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं बच्चों। और दूसरा बड़ा ये ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग का, जो कि 1/3 दी गई है। तो ये पेपर में सबसे टफेस्ट चीज रहेगी, देखने वाली बात रहेगी कि एक मैनेजमेंट आपको नेगेटिव मार्किंग से बनानी है और दूसरा समय के साथ पेपर को करना है। जिस बच्चे का पेपर क्लियर होगा फिर CBT 2 में आएंगे, 35 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 35 मार्क्स के ही। इसी प्रकार से रीजनिंग के 35 हैं, बस कुछ नहीं किया है बदलाव, 120 क्वेश्चन, जहां पे 100 सवाल थे उसकी जगह उन्होंने 120 सवाल कर दिए। और समय को फिर से उन्होंने फिक्स रखा है, समय को फिक्स रखा है। आप इसका वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस है और कितने समय का ये पेपर होना है, ये ध्यान में रखिएगा।
और इस पेपर को जो है आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, और आपको इसी प्रकार की जो मैं जानकारी है वो मैं देता रहूंगा। वीडियो को और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।